मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अनन्यानंद के निकट एक दिन एक विदेशी पर्यटक आया और कहा, क्या आप कृपा करके कोई ऐसा गाइड दे सकते हैं जो मुझे दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन करा दे? मेरे पास समय कम है, 5 घंटे के बाद मेरा हवाई जहाज यहां से रवाना होने वाला है। इस थोड़े समय के भीतर उस पवित्र स्थान का दर्शन करना चाहता हूं। इसके पूर्व किसी विदेशी ने स्वामी जी से ऐसा अनुरोध नहीं किया था। इस विदेशी के आग्रह को सुनकर उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? विदेशी ने अपना आत्म परिचय देते हुए कहा, मैं आइसलैंड का निवासी हूं। एक अरसा पहले मिस्टर श्रीमा लिखित गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पढ़कर अत्यंत प्रभावित हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि भारत जाकर उस पवित्र स्थान का दर्शन करूंगा जहां वह महान योगी लेखक को ज्ञान देता रहा। अपने व्यापार के सिलसिले में आज भारत में रुकना पड़ रहा है, इस समय का सदुपयोग करना चाहता हूं। पर्यटक की बातों से स्वामी अनन्यानंद इतने प्रभावित हुए कि किसी अन्य को न भेजकर स्वयं गाइड के रूप में उसे दक्षिणेश्वर ले आए। उक्त पर्यटक परमहंस जी के निजी कमरे में जाकर स्तब्ध भाव से कुछ देर बैठा रहा। इसके बाद बाहर निकलकर उसने कहा, आज मेरे जीवन की एक अभिलाषा पूरी हो गई। मैं एक अरसे से यहां आना चाहता था। दक्षिणेश्वर से वह यात्री सीधे दमदम हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गया। भारत के अन्य स्थानों को देखने की इच्छा उसकी नहीं हुई। श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने, जिन्हें मास्टर महाशय कहा जाता था, श्री म के उपनाम से बंगला में सर्वप्रथम रामकृष्ण कथामृत लिखा। पुस्तक छपने के साथ ही वह जनता में लोकप्रिय हो गई। भारत में उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम तथा हिंदी में अनुवाद हो गया। इस पुस्तक का प्रथम खंड श्री म ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका प्रथम प्रकाशन दिसंबर 1907 ईस्वी को न्यूयॉर्क स्थित वेदांत सोसाइटी की ओर से हुआ। समग्र यूरोप में हलचल मच गई। देखते ही देखते चेक, डेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, स्वीडिश आदि भाषाओं में अनुवाद हुए। इस पुस्तक के बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में श्री मां को लिखा, तोहफा हुआ है बंधु, तोहफा। इतने दिनों बाद आपने ठीक कार्य में हाथ लगाया। आपको अनेक लोग आशीर्वाद देंगे, पर अधिकतर लोग अभिशाप देंगे। इसके पहले कभी किसी महान आचार्य के जीवनी को किसी ने अपने मन के रंगों में रंगकर नहीं लिखा था, जिसे आपने कर दिखाया। भाषा तो प्रशंसा के अतीत है, इतना सजीव, तीक्ष्ण, प्रत्यक्ष और स्वच्छंद है, क्या कहूं। अब समझ में आया कि हम लोगों में से किसी ने उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। स्वामी ब्रह्मानंद ने एक दिन अपने भक्त और शिष्यों से कहा था, तुम लोगों को क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूं। इसके बाद कथामृत पुस्तक दिखाते हुए उन्होंने कहा, इस ग्रंथ के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनीषी रोमा रोला ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद श्री मां को एक पत्र लिखा, संभवतः आपने सुना होगा कि मैंने श्री रामकृष्ण की जीवनी फ्रांसीसी भाषा में लिखने का संकल्प किया है। आपकी कृति श्री रामकृष्ण कथामृत के प्रति मेरी असीम श्रद्धा है और इसके लिए मैं ऋणी हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। सुना है कि आपके गुरु शिक्षित नहीं थे, यहां तक कि वे पूर्णतः निरक्षर थे। जो कुछ ज्ञान था वह जबानी सुनकर ही था। यह कैसा ज्ञान है, कौन जाने। यूरोप में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पत्र काफी बड़ा है और परमहंस जी के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गए थे, जिनका उत्तर श्री मां ने दिया था। संसार के इतिहास में
श्री माही एक ऐसे लेखक हुए जिनकी एक कृति से संपूर्ण विश्व आकर्षित हुआ था। 14 जुलाई सन 1854 ईस्वी को श्री मधुसूदन गुप्त के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया महेंद्रनाथ। कलकत्ता के सिमला पल्ले स्थित शिवनारायण दास लेन में गुप्त जी सपरिवार रहते थे। 4 पुत्र और 3 पुत्रियों में महेंद्रनाथ तृतीय संतान थे। रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में काली माता का एक बृहद मंदिर बनवाया था जहां पुजारी के रूप में परमहंस रामकृष्ण जी रहते थे। जिन दिनों महेंद्रनाथ की उम्र 4 साल की थी उन दिनों मां तथा मोहल्ले के लोगों के साथ वे यहां के मेले में आए। मेला घूमते समय अचानक बालक को ज्ञात हुआ कि वह अपनी मां से बिछड़ गया है। भय से व्याकुल होकर वह रोने लगा। परमहंस जी की अतिंद्रिय शक्ति को अपने भावी एक भक्त की सूचना मिली। वे बाहर आए और बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, चुप हो जा बेटा, मैं तेरी मां को खोजता हूं। अबोध बालक इस स्नेह स्पर्श से शांत हो गया। मां की तलाश करने के बाद परमहंस जी ने बालक को उनके हाथ सौंप दिया, लेकिन कोई यह नहीं जान सका कि बालक पर रामकृष्ण जी की कृपा दृष्टि पड़ गई है। अब उसके भावी जीवन के डोर का संचालन यहीं से होगा। बालक के भविष्य का सारा दृश्य चित्रपट की भांति परमहंस जी के सामने से गुजर गया। परमहंस जी प्रारंभ से ही 2 भक्तों पर विशेष कृपा करते थे। इनमें प्रथम थे नरेंद्रनाथ और द्वितीय थे महेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद हुए और महेंद्रनाथ मास्टर महाशय। महेंद्रनाथ में बचपन से ही कुछ ऐसी आदतें थी जो कि आम तौर पर सामान्य बच्चों में नहीं पाई जाती। स्कूल या बाजार जाते समय जितने मंदिर दिखाई देते सभी के आगे ठहरकर प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। दुर्गा पूजा के अवसर पर वे मृण्मयी मूर्ति के सामने दीर्घ काल तक बैठे रहते थे। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने डायरी लिखना प्रारंभ किया था। उन दिनों वे 8वें दर्जे के विद्यार्थी थे। जब कॉलेज में भर्ती हुए तब रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद तथा चैतन्य चरितामृत बराबर पढ़ने लगे। कालिदास की रचनाएं, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके प्रिय विषय थे। बातचीत के सिलसिले में वे उन ग्रंथों से उद्धरण देते थे। जिन दिनों आप बीए में पढ़ते थे तभी आपका विवाह हो गया। कॉलेज में पढ़ते समय कानून के अलावा संस्कृत ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करते रहे। जिन दिनों महेंद्रनाथ डायरी लिखना प्रारंभ किया था उन्हीं दिनों परमहंस जी ने आप में शक्ति संचार किया था। LLB करने के पश्चात आप वकालत करना चाहते थे पर अदृश्य शक्ति ने वकालत करने नहीं दिया। बाद में जब आप ICS हुए तब विदेश जाने की तैयारी करने लगे ताकि यहां आकर उच्चाधिकारी बने। उस समय भी परमहंस जी का चक्र चला और आप विदेश नहीं जा सके। अगर वे विदेश जाते तो उनका मार्ग बदल जाता, फिर परमहंस जी का व्यास कौन बनता? परमहंस जी के तिरोधान के काफी दिनों बाद गुप्त भारत की खोज पुस्तक के लेखक श्री पॉल ब्रंटन मास्टर महाशय से मिलने आए। बातचीत के सिलसिले में पॉल ब्रंटन ने कहा, क्या आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? श्री मां ने कहा, यह तो मेरा प्रिय विषय है। उन दिनों मेरी उम्र 27 वर्ष की थी जब उनका दर्शन प्राप्त किया था। इसके बाद 5 वर्ष तक उनके परिमंडल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फलस्वरूप मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की धारा बदल गई। उस देव मानव का मुझ पर व्यापक प्रभाव पड़ा। केवल मैं ही नहीं, अन्य जितने लोग उनके संपर्क में आए उन सभी पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा था। यहां तक कि जड़वादी लोग जो उन्हें गाली देने आए थे उनकी बोलती बंद हो गई थी।
पॉल ब्रंटन ने प्रश्न किया, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते या अध्यात्म के प्रति आस्था नहीं रखते, वे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? श्रीमा मुस्कुरा उठे और बोले, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों मिर्च खाते हैं। इनमें एक ने कभी मिर्च देखा नहीं और दूसरा मिर्च से भली भांति परिचित है। वह समझ जाता है कि उसने क्या चबाया है, मगर दोनों की अनुभूति एक प्रकार की है, यानी तीता लगना। यही वजह है कि श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक विराट तत्व के संबंध में जानकारी न रहने पर भी जड़वादी लोग उनके शरीर से निकलने वाली ऐश्वरिक ज्योति का प्रभाव अनुभव कर चुके हैं। कुछ देर ठहरकर पुनः उन्होंने कहा, गुरुदेव ने मुझसे कहा था, तुम्हारी आंखें, भौं, कपाल और चेहरे का चिन्ह देखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम एक योगी हो। तुम अपना काम करते रहो, पर मन ईश्वर की ओर रखो। जिस प्रकार बड़े घर की नौकरानियां मालिक के यहां नौकरी करती है, उनके बच्चों की देखरेख करती है, पर उसका मन घर पर छोड़ आए अपने बच्चों के प्रति लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार एक बार मेरे मन में संन्यास ग्रहण करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उनसे निवेदन करने पर उत्तर मिला, तुम्हें सन्यासी बनकर अपने घर में रहना होगा। मैंने सोचा कि राखाल, तारक, योगेन आदि को गुरुदेव ने सन्यास दिया तो मेरे बारे में आपत्ति क्यों? वे लोग भी विवाहित हैं। इस बार उन्होंने डांटकर कहा कि तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुए काम करना है। बाद में एक दिन मुझे तांत्रिक सन्यास दिया गया था। February 26, 1882 रविवार के दिन महेंद्रनाथ ने सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को देखा। सिद्धेश्वर मजुमदार के भवन में अनेक लोगों के बीच बैठे रामकृष्ण जी हरी कथा सुना रहे थे। महेंद्रनाथ अवाक होकर सुनते रहे। परमहंस जी कह रहे थे, जब एक बार हरि या राम कहने पर शरीर रोमांचित हो या अश्रुपात हो, तब समझ लेना कि अब संध्या पूजन की आवश्यकता नहीं है। उस समय कर्म त्याग का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कर्म का त्याग अपने आप हो जाता है। इस दर्शन के बाद महेंद्रनाथ का हृदय न जाने क्यों व्याकुल हो उठा। वे दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर रवाना हो गए। यहां आने पर उन्होंने देखा, कमरे के भीतर रामकृष्ण जी मौन बैठे हैं। महेंद्रनाथ को किसी ने यह बताया था कि शाम के वक्त परमहंस जी कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं। यह बात मन में आते ही महेंद्रनाथ बोल उठे, इस वक्त आप संध्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। भावस्थ रामकृष्ण ने कहा, नहीं, मैं संध्या नहीं कर रहा हूं। महेंद्रनाथ भीतर आए, कुछ देर बातें होती रही। बाद में रामकृष्ण ने कहा, फिर कभी आना। लौटते समय महेंद्रनाथ ने अनुभव किया जैसे वे साक्षात भगवान से मिलकर आ रहे हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई कि रामकृष्ण जी इसी प्रकार सात्विक पुरुषों को पहचानकर अपना भक्त बनाते हैं। रामकृष्ण जी के प्रभाव का उन पर असर इस तरह बढ़ा कि महेंद्रनाथ निरंतर यहां आने लगे। एक दिन रामकृष्ण जी ने इन्हें देखकर कहा, अरे यह फिर आ गया, पता नहीं इस शरीर में क्या है, जो एक बार आता है वह अफीमचियों की तरह ठीक समय पर चला आता है। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने महेंद्रनाथ से पूछा, तुम साकार में विश्वास करते हो या निराकार में? महेंद्रनाथ इस बात को अच्छी तरह जानते थे
कि साकार और निराकार दोनों ही ईश्वर की अवस्था है। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मुझे निराकार अच्छा लगता है। रामकृष्ण जी ने कहा, यह ठीक है, किसी एक पर विश्वास करना चाहिए, निराकार में विश्वास रखना उचित है, पर यह मत समझना कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या, दोनों ही सत्य है। महेंद्रनाथ ने कहा, मानता हूं कि साकार में विश्वास हुआ, पर वह तो मिट्टी का पुतला है। रामकृष्ण जी ने कहा, मिट्टी क्यों, वह तो चिन्मयी प्रतिमा है। महेंद्रनाथ के अहम को धक्का लगा। रामकृष्ण जी के साथ यही उनका प्रथम और अंतिम तर्क था। रामकृष्ण जी धीरे धीरे उनका निर्माण करते गए। महेंद्रनाथ ने स्वयं अनुभव किया कि इस विराट संसार के कर्णधार ठाकुर रामकृष्ण हैं। पुनः महेंद्रनाथ ने पूछा, ईश्वर को कैसे स्मरण किया जाए? रामकृष्ण जी ने कहा, ईश्वर का गुणगान सर्वदा करते रहना चाहिए, कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर चिंतन करना चाहिए। पहले पहल निर्जन स्थान में ईश्वर को स्मरण करना कठिन होता है। जिस प्रकार पौधे को लगाते समय बकरी गाय से बचाने के लिए कांटा या ईंटों का घेरा बनाया जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का ध्यान प्रारंभ में निर्जनता के घेरे में करना चाहिए। घर पर काम करते समय भी उनका चिंतन आवश्यक है। जिस प्रकार कछुआ पानी में रहता है पर उसका ध्यान अपने अंडों की ओर लगा रहता है जिसे उसने किनारे रख छोड़ा है। आगे रामकृष्ण जी ने इस प्रश्न की सरल व्याख्या करते हुए कहा, भक्ति के लिए निर्जन स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार दही जमाने के लिए निर्जन स्थान की जरूरत होती है, अगर अथरी को ज्यादा हिलाया डुलाया गया तो दही ठीक से नहीं जमती, उसी प्रकार भक्ति के लिए निर्जन स्थान आवश्यक है। दही के मथने पर ही मक्खन निकलता है। महेंद्रनाथ ने अनुभव किया कि इस तरह उदाहरण देकर सरल ढंग से ईश्वर भक्ति के बारे में कोई नहीं समझाता। ठाकुर आसपास की घटनाओं तथा तथ्यों के उदाहरण देकर विषय को सरल बना दे रहे हैं। निर्जन स्थान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे ठाकुर ने कहा, संसार पानी है और मन दूध। अगर इसकी उपेक्षा करोगे तो पानी दूध एक में मिल जाएगा, शुद्ध दूध नहीं मिलेगा। दूध को दही बनाओ और उसे मक्खन निकालकर पानी में रखो तो वह तैरता दिखाई देगा। इसलिए निर्जन स्थान में साधना करनी चाहिए, तभी ज्ञान भक्ति का नवनीत प्राप्त करोगे। संसार के पानी में उसे रखने पर यह घुल नहीं सकता। इस उदाहरण से महेंद्रनाथ की शंका दूर नहीं होती। वे स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहते हैं कि क्या ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान रामकृष्ण ने कहा, व्याकुल होकर पुकारने पर वे जरूर दर्शन देते हैं। लोग पत्नी और बच्चों के लिए रोते हैं, धन के शोक में रोते हैं, पर ईश्वर के लिए कौन रोता है? बच्चे के प्रति मां का आकर्षण, पति के प्रति सती का आकर्षण और विषय का विषय पर आकर्षण रहता है। इन तीनों आकर्षणों को एक में मिलाकर ईश्वर के प्रति व्याकुलता दिखाओ, तब देखोगे कि वे दर्शन देने आ गए हैं। परमहंस रामकृष्ण जी दिल खोलकर महेंद्रनाथ को उदाहरण सहित उपदेश देते रहे। उन्हें ज्ञात था कि मेरा यह प्रिय शिष्य आगे चलकर संसार के लोगों को मेरे विचार संदेश के रूप में प्रचारित करेगा। महेंद्रनाथ गुप्त अधिकतर जो प्रश्न करते और उसका जो उत्तर रामकृष्ण जी से मिलता, उन सभी बातों को
वे नित्य डायरी में लिखा करते थे। केवल यही नहीं, परमहंस जी से कब कौन मिला, उसने कौन सा प्रश्न किया, परमहंस जी ने क्या जवाब दिया, वे कब किसके यहां गए, वहां क्या क्या हुआ, इन सारी बातों को वे बराबर लिखते रहे। आगे चलकर यही सामग्री श्री रामकृष्ण कथामृत के नाम से प्रकाशित हुई। महेंद्रनाथ गुप्त परमहंस जी की मंडली मास्टर महाशय के नाम से प्रसिद्ध थे। आप एक साथ तीन स्कूल के हेडमास्टर थे। तत्कालीन समाज के अनेक मूर्धन्य विद्वान, राजनेता और समाज सेवी आपके छात्र थे। यहां तक कि परमहंस जी के अनेक शिष्य भी आपके शिष्य थे। एक शिक्षक होने के कारण महेंद्रनाथ की ख्याति नहीं हुई, बल्कि उनकी ख्याति हुई कथामृत पुस्तक के लेखक होने के कारण। पहले वे श्रीम उपनाम से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बहुत दिनों तक लोग यह नहीं जान सके कि इन धारावाहिक लेखों का लेखक कौन है। कुछ दिनों बाद एक दिन रामकृष्ण जी ने पूछा, आजकल ईश्वर चिंता किस प्रकार कर रहे हो, साकार अच्छा लग रहा है या निराकार? महेंद्रनाथ जी ने कहा, साकार की ओर मन नहीं लग रहा है, दूसरी ओर निराकार में मन जम नहीं रहा है। परमहंस जी ने कहा, निराकार में मन जल्द स्थिर नहीं होता, पहले साकार ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे रामकृष्ण जी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। यहां तक कि स्कूल से चलकर जब अचानक भक्तों से घिरे रामकृष्ण जी के पास पहुंच जाते, तब वे पूछते, कैसे आए, क्या आज छुट्टी है? महेंद्रनाथ जी का स्कूल पास ही था। वे जवाब देते, स्कूल से आ रहा हूं, इस वक्त कोई विशेष कार्य नहीं था। भक्तों में से कोई परिहास करता, जी नहीं, स्कूल से भाग आए हैं। यह बात सुनकर लोग हंस पड़ते। दूसरी ओर महेंद्रनाथ जी सोचते, यहां आए बिना रहा नहीं जाता, पता नहीं कौन मुझे यहां खींच लाता है। महेंद्रनाथ नगर के प्रतिष्ठित नागरिक शिक्षक ही नहीं बल्कि कई बच्चों के पिता थे। घर पर पिता, भाई तथा सुंदर पत्नी थी। ऐसे परिवार का सदस्य अगर उन दिनों घर से बाहर बराबर रहे तो अच्छा नहीं समझा जाता था। परिवार में अशांति अलग से होती थी, लेकिन जिस व्यक्ति में ईश्वर दर्शन की तीव्र लालसा हो, वह कैसे गृहस्थी में रह सकता है? घर में अशांति बढ़ने पर एक दिन रात को जब सभी लोग सो गए, तब पत्नी और बच्चों को लेकर वे सीधे अपनी बड़ी बहन के यहां चले आए। इस प्रकार संयुक्त परिवार से अलग हो गए। घरेलू बातचीत के सिलसिले में एक दिन महेंद्रनाथ ने कहा, मेरा लड़का। तुरंत रामकृष्ण जी ने कहा, कभी यह मत कहना कि मेरा लड़का, कहना ईश्वर का लड़का। उन्होंने संतान को तुम्हारे पास भेजा है केवल उसके माध्यम से उनकी सेवा करने के लिए। इस चेतावनी के बाद फिर कभी महेंद्रनाथ ने मेरा लड़का, मेरी लड़की शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस घटना के 2.5 साल बाद जब उनके प्रथम पुत्र की मृत्यु हो गई, तब उन्हें शोक नहीं हुआ। यहां तक कि लड़के की मां की मानसिक स्थिति खराब हो गई, तब भी वे निस्पृह रहे। जब लड़कों की मां रामकृष्ण के निकट आती, तब उनका शोक दूर हो जाता था। बातचीत के सिलसिले में एक दिन महेंद्रनाथ ने कहा, आजकल मैं अक्सर स्वप्न देखता हूं। कल स्वप्न में देखा कि यह संसार जल से भरा हुआ है, चारों ओर अनंत जल राशि है, कुछ नौकाएं तैर रही है, बाकी डूब गई है। मैं कुछ लोगों के साथ एक जहाज पर सवार था। ऐसे माहौल में देखा कि एक ब्राह्मण उस जल राशि पर से पैदल ही चला जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, आप कैसे जा रहे हैं?
ब्राह्मण ने हंसकर कहा, यहां कोई कष्ट नहीं है, पानी के नीचे सहारा है। मैंने उनसे प्रश्न किया, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूं। मैंने कहा, जरा ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सारी कहानी सुनने के बाद रामकृष्ण जी ने कहा, अब तुम शीघ्र दीक्षा ले लो, समय हो गया है। 9 दिसंबर सन 1883 के दिन दक्षिणेश्वर मंदिर के एक निर्जन स्थान पर महेंद्रनाथ अपने आप में तन्मय होकर खड़े थे। सहसा उन्हें परमहंस जी की वाणी सुनाई दी, होगा, तुम्हारा जल्द होगा, तुम्हारा समय आ गया है। समय के पूर्व चिड़िया अपने अंडे को नहीं फोड़ती, सभी को अधिक तपस्या करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। इस चेतावनी के द्वारा रामकृष्ण जी ने सूचित किया कि पिछले जन्म में इतनी तपस्या कर चुके हो कि योगी बन गए, अतएव इस जन्म में तुम्हें अधिक तपस्या की जरूरत नहीं होगी। असल में परमहंस जी धीरे धीरे उनमें शक्ति संचार करते रहे, संभवतः इसलिए एक दिन बातचीत के सिलसिले में परमहंस जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद एक दिन काली माता के मंदिर में रामकृष्ण जी उन्हें ले गए और मां के चरणों पर उत्सर्ग कर दिया। मां का ज्योतिर्मय रूप देखकर वे मात्र स्नेह सागर में अवगाहन करने लगे। ठाकुर ने कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम पर मां की कृपा हो गई है। कुछ दिनों बाद बातचीत के सिलसिले में परमहंस जी ने कहा, पता नहीं तुम लोग ध्यान करते हो तो क्या देखते हो। एक दिन ध्यान के समय मैंने देखा, मेरे सामने रुपया, दुशाला, मिठाई और 2 औरतें थी। अपने मन से पूछा कि क्या तुझे इन सब चीजों की जरूरत है। मिठाई का स्वाद टट्टी की तरह लगा। औरतों को गौर से देखा तो उनके भीतर की सारी चीजें, मल, मूत्र, नाड़ी, खून दिखाई देने लगी। मेरे मन को एक भी चीज पसंद नहीं आई। यह बात याद रखो कि ध्यान में यह सब चीजें आएंगी, लालच दिए जाएंगे। यहां साधक को अटल रहते हुए चरण कमल पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं सर्वदा तुम्हारे पीछे रहूंगा। जड़, जोरू और जमीन का त्याग करना जरूरी है। सन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिए, ईश्वर का ही ऐश्वर्य है। मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और ऐश्वर्य को लेकर अहंकार करता है। एक और परमहंस जी ज्ञान देकर अपने व्यास को सही मार्ग पर ला रहे थे और दूसरी ओर महेंद्रनाथ अपने गुरुदेव के उपदेशों का संकलन करते जा रहे थे। नए भक्तों से अक्सर कहा करते थे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मास्टर के पास जाकर उपदेश सुनो। परमहंस जी इसी बहाने कथामृत के लेखक को प्रेरणा देते रहे। केवल यही नहीं, अपने सबसे छोटे शिष्य सुबोधानंद से भी परमहंस ने कहा था, कभी कभी महेंद्र मास्टर के यहां भी जाना। उन दिनों सुबोधानंद जी छात्र जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके अध्यापक महेंद्रनाथ थे। तुरंत सुबोधानंद ने कहा, उनके पास क्यों जाऊंगा, वे तो गृहस्थ हैं। परमहंस ने कहा, नहीं रे, वह यहां की बातों के अलावा अन्य कुछ नहीं कहता, मास्टर से मेल जोल रखना। महेंद्र का कितना ख्याल परमहंस जी रखते थे, इसका उदाहरण एक घटना से मिल जाता है। उन दिनों परमहंस जी अस्वस्थ थे। महेंद्रनाथ जी का अधिकांश समय उनकी देखरेख में व्यतीत होता था। फलस्वरूप स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ। यह जानकर श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, आजकल आपका अधिकांश समय उनके यहां गुजरता है,
इसलिए स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ। यह ठीक नहीं है। अपने गुरु के बारे में इस तरह की टिप्पणी सुनकर महेंद्रनाथ को धक्का लगा। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह समाचार सुनकर परमहंस जी ने कहा, ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया, ठीक तो किया, पर जीविका के लिए अब क्या करोगे? बाल बच्चे वाले गृहस्थ हैं। परमहंस जी ने आगे कहा, ईश्वर के लिए जो कुछ किया जाए वह ठीक है, पहले ईश्वर सेवा, इसके बाद अन्य काम करना चाहिए। महेंद्रनाथ की उदासी देखकर अंतर्यामी गुरु सारी बात समझ गए। कई दिनों बाद श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गाड़ी आई और उन्हें ले जाकर ससम्मान रिपन कॉलेज का अध्यापक बना दिया गया। परमहंस जी के तिरोधान के पश्चात महेंद्रनाथ जी का जीवन संतों की भांति हो गया। उनकी समस्त चेतना को परमहंस जी के नाम ने आच्छन्न कर रखा था। अपने कपड़ों को स्वयं कचारते थे, भोजन के बाद अपना बर्तन स्वयं मांजते और जूठन फेंकते थे। भोग विलास से दूर हट गए थे। एक बार कोई उनके लिए इटालियन कंबल ले आया तो बोले, यह आपने क्या किया? दिन रात इसकी सुरक्षा की ओर मेरा मन लगा रहेगा। अगर कोई अच्छा खाद्य पदार्थ लाता तो कहते, आप इसे अद्वैत आश्रम में ले जाइए, वहां साधु लोग खाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। परमहंस जी की चर्चा चलने पर कहते, ठाकुर कहा करते थे कि ईशा, चैतन्य और मैं एक अविभाज्य सत्ता हैं। जगदम्बा मेरे कंठ में बैठकर बातें कहलाती है, मैं तो निरा मूर्ख हूं। जगदम्बा पीछे से ज्ञान की राशि ढकेल देती है मेरे मुंह में। यह सब बातें मैं धर्म ग्रंथों में पढ़ चुका हूं। प्रभु की बातें सुनकर तात्कालीन विद्वान चकित रह जाते थे कि इतना ज्ञान इस व्यक्ति में कैसे आ गया। अपने गुरु भाइयों के निकट महेंद्रनाथ श्रद्धेय थे। यद्यपि अपनी विनम्रता के कारण गुरुदेव के सभी सन्यासियों को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, तद्यपि सभी गुरु भाई इन्हें स्वामी विवेकानंद और राखाल महाराज के समकक्ष मानते रहे। मास्टर महाशय अपने भक्तों से कहा करते थे, श्री रामकृष्ण जिस जिस रास्ते से गुजरे हैं, अगर उन रास्तों की धूल सिर से लगाया जाए तो योगी होना संभव है। जब कभी मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर आते तब साथ में एक गमछा लाना नहीं भूलते थे। यहां आने के बाद उस गमछे को गंगा जल में भिगोकर दर्शनार्थी भक्तों के मस्तक पर पानी के छींटे देते हुए कहते, श्री रामकृष्ण जी जिस घाट पर स्नान करते थे उसी घाट का यह पानी है। अपने गुरुदेव के प्रति उनका इतना विश्वास था। गुरुदेव के बारे में अगर उनसे कोई कुछ कहता तो वे भावातुर होकर अजस्र कहानियां सुनाया करते थे। अद्वैत आश्रम के सभी साधु यह जानते थे कि मास्टर महाशय किसी को अपना चरण छूने नहीं देते। विजयदशमी के दिन बड़े बुजुर्गों का चरण कनिष्ठ लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। उस बार विजयदशमी के दिन मास्टर महाशय अद्वैत आश्रम आए। साधुओं ने पहले से ही षड्यंत्र रच रखा था। एक साधु जो ही झुककर उनके चरण की ओर हाथ बढ़ाया त्यों ही महेंद्रनाथ ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। महेंद्रनाथ की पकड़ को उक्त साधु ने जकड़ लिया। बस मौका पाकर उपस्थित साधु महेंद्रनाथ के चरण स्पर्श करने लगे। इस प्रकार साधुओं की प्रेम लीला समाप्त हुई। मास्टर महाशय अपने स्नेहियों के आगे हार गए। स्वामी प्रेमानंद हमेशा मास्टर महाशय को दंडवत करते हुए प्रणाम करते हैं। एक बार मास्टर महाशय परमहंस जी की जन्मतिथि के अवसर पर बेलूर मठ में आए। इन दिनों वे जरा अस्वस्थ थे। यहां दर्शन प्रणाम करने के बाद जरा जलपान करेंगे, साथ में धान का लावा ले आए हैं, जरा दही चाहिए।
उन्होंने ब्रह्मचारी हेमेंद्र से कहा, देखो भंडार घर में दही है या नहीं। पता लगाने पर हेमेंद्र ब्रह्मचारी को ज्ञात हुआ कि दही तो है पर अभी भोग चढ़ाया नहीं है, इसलिए अभी देना उचित नहीं होगा। हेमेंद्र यही बात कहने के लिए वापस जा रहे थे, तभी स्वामी प्रेमानंद ने देखा कि हेमेंद्र भंडार घर से वापस जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, भंडार घर में क्यों आए थे? सारी बात सुनकर स्वामी प्रेमानंद ने कहा, ठहरो। इसके बाद वे भंडार घर में आए और दही वाला बर्तन लेकर परमहंस जी के चित्र के सामने आकर आंख बंद कर खड़े हो गए। इसके बाद दही की हड़िया हेमेंद्र ब्रह्मचारी को देते हुए कहा, आज एक अपराध से ठाकुर ने हम लोगों की रक्षा की। तुम भी तो जानते हो कि वे ठाकुर के अंतरंग पार्षद हैं, ठाकुर इन लोगों के मुंह से खाते हैं। कथामृत पढ़ा नहीं है? ठाकुर ने कहा है कि इन लोगों को खिलाने पर 1000 साधुओं को खिलाने का लाभ होता है। आप रामकृष्ण अवतार के व्यास हैं, दिनरात ठाकुर की वाणी इनके मुंह से निकलती है। आज हम लोगों से होने वाली एक बड़ी त्रुटि से ठाकुर ने बचा लिया। उस समय मास्टर महाशय दूर एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। ठाकुर के सभी शिष्य महेंद्रनाथ का सम्मान इस प्रकार करते थे। 30 अक्टूबर 1888 ईस्वी को मास्टर महाशय की पत्नी श्रीमती निकुंज देवी को श्री शारदा माता ने दीक्षा दी। इसके बाद ठाकुर के इंगित पर मां ने महेंद्रनाथ को महामंत्र दिया। सबसे पहले ठाकुर ने इन्हें तांत्रिक संन्यास दिया था और अब तंत्र की अधिष्ठात्री श्री मां ने मंत्र में प्राण का संचार किया। बात उन दिनों की है जब मुकुंद घोष परमहंस योगानंद नहीं हुए थे। अपनी मां की असामयिक निधन के कारण बहुत व्याकुल हो उठे थे। वे प्रत्यक्ष रूप से जगजननी का दर्शन करना चाहते थे ताकि उनसे निर्देश प्राप्त कर अपने भावी जीवन के मार्ग का चुनाव कर सके। उन्हें यह ज्ञात था कि मास्टर महाशय जगन माता के कृपा पात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक दिन वे मास्टर महाशय के यहां आए। इनके हृदय के भीतर उमड़ते तूफान का अनुभव करते हुए मास्टर महाशय ने कहा, जरा शांत होकर बैठो, इस वक्त मैं जगजननी के साथ बातें कर रहा हूं। कुछ देर बैठने के बाद मुकुंद घोष अस्थिर हो उठे। उन्होंने कहा, आप मेरे बारे में जगजननी से आदेश प्राप्त कर लें, इस वक्त मैं जा रहा हूं, कल आपकी सेवा में पुनः हाजिर होऊंगा। मास्टर महाशय इन दिनों जिस मकान में रहते हैं वह मकान कभी मुकुंद घोष के पिताजी का था। इसी मकान में मुकुंद घोष की मां का निधन हुआ था और यही मास्टर महाशय के पुण्य स्पर्श से जगन्न माता के लिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा था। दूसरे दिन भोर के समय मुकुंद घोष पहुंच गए। मास्टर महाशय के कमरे का दरवाजा बंद था, क्षण भर में खुला तो मुकुंद ने कहा, समाचार जानने के लिए जल्दी आ गया, मेरे बारे में मां ने आपको कुछ कहा है क्या? गौर से कुछ देर देखने के बाद मास्टर महाशय ने कहा, पहेली बुझाने की चेष्टा कर रहे हो या मेरी परीक्षा ले रहे हो? उस करुणामयी जगजननी के निकट से कल रात को तुम्हें आदेश मिला है, इसके बाद भी उन बातों को मुझसे सुनना चाहते हो? बोलो, बात सच है या नहीं? यह बात सुनते ही मुकुंद ने मास्टर महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। इस वक्त वे आनंद से अश्रुपात करने लगे। बात सही थी, कल रात को 10 बजे जब मुकुंद ध्यान पर बैठे तब उन्हें जगत जननी की ओर से निर्देश मिला था। मास्टर महाशय ने कहा, क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारी भक्ति मां की असीम करुणा को स्पर्श नहीं कर सकी? ईश्वर के मात्र भाव की जिसे तुम मानवी और देवी के रूप में पूजा करते आए हो, तुम्हारे आकुल क्रंदन से
प्रभावित हुए बिना रह सकती है? एक बार जब मुकुंद ने मास्टर महाशय से अनुरोध किया कि वे मंत्र देकर शिष्य बना ले, तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु कुछ दिनों बाद आएंगे, उनके निर्देश से तुम में प्रेम भक्ति का प्रभाव होगा, उससे जो दिव्यानुभूति प्राप्त होगी वह अनंत ज्ञान देगी। यहां पे परमहंस योगानंद के बारे में जो भी बातें कही जा रही हैं, अगर आपने योगी कथामृत पुस्तक पढ़ा है तो उसमें ये जिक्र किया गया है, शायद एक चैप्टर ही है और मैंने इसका कंप्लीट ऑडियो बुक भी बनाया है, अगर आप चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं। मुकुंद घोष तीसरे पहर नित्य मास्टर महाशय के घर जाते थे। सच तो यह है कि मास्टर महाशय की अतिंद्रिय शक्ति से वे इतना प्रभावित हो गए थे कि उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति मुकुंद के हृदय में उत्पन्न हो गई थी। एक दिन एक माला लाकर मुकुंद ने कहा, यह माला आपके लिए लाया हूं। मास्टर महाशय ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि इससे बालक की आत्मा को ठेस पहुंची है, तब उन्होंने कहा, हम दोनों ही मां के भक्त संतान हैं, तब मां का आवास इस देह मंदिर में है, ऐसी हालत में तुम उन्हें अर्घ दे सकते हो मगर मुझे नहीं। एक दिन मुकुंद और मास्टर महाशय स्कूल के एक ओर टहल रहे थे, इतने में एक सज्जन आए और बेकार की बातें करने लगे। कुछ देर बाद धीरे से मास्टर महाशय ने मुकुंद से कहा, मैं देख रहा हूं कि इस व्यक्ति की उपस्थिति से तुम प्रसन्न नहीं हो, इसे यहां से भगाना चाहिए। बहरहाल मैं मां को सूचित कर रहा हूं, वे हमारी मुसीबत समझ जाएंगी। अब देखो इसे मां किस तरह हमारे पास से हटाती है। मां ने कहा कि यह आदमी उधर जो लाल मकान दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचते ही इस आदमी को एक जरूरी काम याद आएगी और यह व्यक्ति चला जाएगा। मास्टर महाशय ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। इसी प्रकार एक दिन मुकुंद घोष किसी कार्य के सिलसिले में हावड़ा गए थे। अचानक उन्होंने देखा लोगों की एक मंडली ढोल मंजीरा बजाते हुए प्रचंड स्वर में भगवान का नाम ले रही है, पर उनमें भक्ति का नाम गंध नहीं है। अभी यह सोच ही रहे थे कि देखा सामने से मास्टर महाशय उनकी ओर आ रहे हैं। मुकुंद ने कहा, मास्टर महाशय आप यहां कैसे? मास्टर महाशय ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुकुंद की चिंताधारा को पकड़ते हुए कहा, खोका बाबू, भगवान का नाम ज्ञानी मूर्ख सभी के मुंह से सुनने पर मधुर नहीं लगता। मास्टर साहब की बातें सुनकर मुकुंद दंग रह गए। वे तो अपने मन में सोच रहे थे कि भक्त मंडली में भक्ति का नाम गंध नहीं है। इस प्रकार एक बार तीसरे पहर मास्टर महाशय ने अचानक मुकुंद से पूछा, क्या बायोस्कोप देखना पसंद करोगे? मास्टर महाशय का प्रश्न रहस्यजनक लगा। इस प्रश्न का उत्तर न देकर मुकुंद श्री मां के साथ घूमने निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों व्यक्ति विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पहुंचे, जहां एक सज्जन भाषण दे रहे थे। भाषणकर्ता का भाषण बहुत ही नीरस और बेमतलब का था। मुकुंद सोचने लगे, मास्टर साहब यही बायोस्कोप दिखाने ले आए हैं? लेकिन जबानी उन्होंने कुछ नहीं कहा ताकि उन्हें नागवार ना लगे। तभी श्रीमान ने धीरे से कहा, देख रहा हूं यह बायोस्कोप तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, मां को मैंने सूचित कर दिया है, इसके लिए वे भी दुखित हैं। बहरहाल उन्होंने सूचित किया है कि इस हॉल की सारी बत्तियां क्षण भर बाद गुल हो जाएंगी, उसी समय हम लोग चुपचाप यहां से चल देंगे। जब तक हम लोग बाहर नहीं पहुंचेंगे तब तक बत्तियां नहीं जलेंगी। मास्टर साहब की बात समाप्त होते ही किसी अदृश्य हाथ ने हॉल की सारी बत्तियों को बुझा दिया। चारों ओर अंधेरा हो गया। वक्ता महोदय चुप हो गए। किसी ने कहा, हॉल की सारी बत्तियां खराब हैं।
इसी बीच मास्टर महाशय के साथ मुकुंद घोष हॉल के बाहर निकल आए। जो ही इन लोगों के कदम बाहर बरामदे पर पड़े, त्यों ही पहले ही की तरह सारी बत्तियां जल उठी। मास्टर महाशय ने कहा, खोका बाबू, इस बायोस्कोप को देखकर तुम प्रसन्न नहीं हुए। कोई बात नहीं, अब एक नए प्रकार का बायोस्कोप दिखा रहा हूं, इसे देखकर तुम जरूर प्रसन्न होगे। विश्वविद्यालय की सीमा के बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलती चलती अचानक मास्टर महाशय ने मुकुंद घोष के वच स्थल पर हाथ से थपकी मारी। तुरंत अद्भुत परिवर्तन हुआ। कोलाहल से मुखर वातावरण स्पंदनहीन नीरव हो गया। सिनेमा के पर्दे पर जब साउंड बॉक्स खराब हो जाता है, तब चलचित्र के सभी पात्रों के हाथ पैर मुंह हिलते डुलते हैं, पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार यहां की सारी आवाजें थम गई। राहगीर, दौड़ती हुई ट्राम गाड़ी, मोटर, रिक्शा, बैलगाड़ी आदि की आवाजें गायब हो गई। लगा जैसे सभी चुपचाप बिना शोर की गंतव्य स्थल की ओर चले जा रहे हैं। सर्वदर्शी आंखों से वे अपने चारों ओर का दृश्य अवाक होकर देखने लगे। कलकत्ता स्थित एक शोरगुल वाले कारखाने को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, पर वहां के लोग जैसे बिना शोर किए अपना काम कर रहे हैं। एक स्निग्ध प्रकाश चारों ओर बिखर गया है। उन्हें यह भी देखकर आश्चर्य हुआ कि राह चलते अनेक मित्र उनके पास से गुजर रहे हैं, पर कोई उन्हें पहचान नहीं रहा है। इस अपूर्व मूक दृश्य को देखकर वे आनंदित हो उठे। इस अनास्वादित दृश्य का वे जी भरकर पान कर रहे थे। अचानक पैरों में ठोकर लगी और तभी मास्टर महाशय ने पहले की तरह उनके वच स्थल पर आघात किया। तुरंत ही कर्णभेदी कोलाहल से वे त्रस्त हो उठे। मधुर स्वप्न क्षण भर में चूर चूर हो गया। मास्टर महाशय ने कहा, देख रहा हूं यह बायोस्कोप तुम्हें अधिक पसंद आया। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? अक्सर कभी कभी मास्टर महाशय का शरीर विद्रोह करने लगता था, कभी कभी दम घुटने लगता या बेतहाशा दर्द महसूस करने लगते थे। उस दिन घर पर स्वामी नित्यानंद भजन गा रहे थे। अचानक गोष्ठी से उठे और अपने कमरे में चले आए। इधर एक माह से वे बुखार से पीड़ित थे। लगभग 3 घंटे तक बिस्तर पर सोए रहे। घर के लोगों ने भक्त डॉक्टर सत्यशरण चक्रवर्ती को बुलाया। उन्होंने जांच के बाद कहा, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। मास्टर महाशय परमहंस जी की कथा सुनाने लगे। थोड़ी देर में बुखार उतर गया। 3 जून सन 1932 को कथामृत के 5वें खंड का प्रूफ देख रहे थे। उस समय रात के 10:15 बज रहे थे। कलेजे में दर्द शुरू हुआ। घर के लोगों से कहा, मुझे जमीन पर लिटा दो। भोर 5 बजे गए हुआ और उसके साथ ही कथामृत का महान लेखक महेंद्रनाथ गुप्त, मास्टर महाशय, श्रीमा चिर निद्रा में सो गए। देखते ही देखते रामकृष्ण भगवान के शिष्य, भक्त तथा अगणित शोकातुर लोग आए और काशीपुर महाशमशान की ओर रवाना हो गए। रामकृष्ण जी का अद्वितीय पार्षद सदा के लिए अपनी स्मृति रखकर चला गया।